आपकी राशि, कौन सा समय है आपके लिए शुभ, क्या है आज ग्रहों का रहस्य, कैसा रहेगा ये दिन आपका, जानने के लिए नमः। नमो नारायण मित्रों, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्कट राशि वाले जातक एवं जातिकाओं के स्वभाव के बारे में, प्रेम रिलेशन के बारे में और पति पत्नी एवं यहाँ संतान के बारे में बात करेंगे। जन्म से लेकर मृत्यु तक इन राशियों वाले जातक एवं जातिकाओं के लिए क्या कैसा जीवन में भुगतने पड़ता है। तो दोस्तों, सितारे, ग्रह, नक्षत्र बदलते रहते हैं राशियां, और इसका असर हमारे मानव जीवन और प्राकृतिक में सीधा असर रहता है। आइए शुरुआत करते हैं आज कर्कट राशि वाले जातक एवं जातिकाओं के लिए इनका प्रेम रिलेशन, जन्म से लेकर मृत्यु तक वैवाहिक जीवन, पति पत्नी बीच के रिश्ते और व्यक्तिगत जीवन इनके क्या कैसे रहते हैं, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और नई नई जानकारी आपको यहाँ से प्रेम के बारे में मिलती रहेगी। तो दोस्तों, बोलिए प्रेम से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री हनुमते नमः। दोस्तों, कर्कट राशि वाले जातक एवं जातिकाओं के लिए सबसे पहले अगर इनके शरीर के बारे में आप बात करते हैं, इनकी हाथ की जो उंगलियां होती हैं काफ़ी मोटी होती हैं, इनके कंध मध्यम कंध के होते हैं और ये इनके हाथ पैर कोमल भाव के होते हैं, इनके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो इसके कारण से अत्यंत इनके गले, बाहू, इंद्रिय पर कहीं ना कहीं तिल होता है, इनके कहीं ना कहीं तिल का निशान होता है और बाल भी कहीं देखा जाए तो पतले भी होते हैं, घने भी होते हैं इनके, और तिल या चोट का चिन्ह भी होता है इनके शरीर में, अगर वास्तविक एवं रियल जीवन के इनके बारे में बात करी जाए तो। इनके अगर आप भाग्यशाली, अगर इनका आजीविका के जीवन के बारे में बात करने चाहेंगे, जानने की कोशिश करेंगे तो कर्कट राशि एक तो मन के बहुत कोमल होते हैं और ये शुद्ध भाव के होते हैं, शुद्ध विचार के होते हैं। अगर ये कर्कट राशि वाले, इनकी जीविका में काफ़ी सफलता इनको मिलती है, ज्योतिष विद्या में इनके लिए काफ़ी सफलता मिलती है, विभिन्न ज्ञान में सफलता मिलती है, तो ये ज्ञान के ठीक ठाक होते हैं। जन्मपत्र के ग्रह के अनुसार भी इनके जीवन में फर्क पाया जाता है। तो अगर देखा जाए ये काफ़ी एक मूल्यवान व्यक्ति के रूप में पहचान होती है, इनकी दुनिया छुट्टी अलग पहचान होती है, तो ये काफ़ी आजीविका के जीवन में श्रेष्ठ स्थान को ये प्राप्ति करते हैं, मेहनती होते हैं, कर्मशील में लगे रहते हैं, लेकिन कभी कभी इनको प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में कभी कभी धोखे हो जाते हैं। इनको देखा जाए तो डॉक्टर, नर्स के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, अभियान नर्स के क्षेत्र में, ये अध्यापक के क्षेत्र में दार्शनिक माने जाते हैं, कथाकार, उपन्यासकार, अर्थशास्त्री, जननविक एवं जज के लिए, प्रधान अध्यापक के लिए, अभिनेता के लिए, मैकेनिक के लिए, गुप्तचर के लिए और थानेदार के लिए, ऑपरेटर के लिए, मशीन चला के लिए, ज्योतिष गणित विज्ञान के लिए, काफ़ी प्लास्टिक शिल्प कार्य के लिए, भोजन लय के लिए, रेस्टोरेंट होटल के लिए भी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, कॉफ़ी बेकरी उद्योग के लिए भी काफ़ी माने जाते हैं। लगभग कर्कट राशि वाले जो जातक हैं, जातिकाएँ हैं, 21 से 28 वर्ष के आयु के बीच में ये काफ़ी उन्नति करते भी हैं। तो अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों, ये प्रारंभ से इनके जीवन में काफ़ी उत्तरदायिता, काफ़ी सुखी भी रहते हैं, जीवन में बहुत परिश्रम करते हैं, कभी कभी इनके जीवन में कलेश भी आते हैं। तो अगर कर्कट राशि के जातक एवं जातिकाएं आप हैं, निपुण हैं हर एक चीज़ में और मृत्यु के पूर्व मकान, खेती अथवा कोई व्यापार धंधा अवश्य इनका होता ही है, जीवन में सब कुछ को प्राप्ति कर लेते हैं, नौकरी में निश्चित रूप से अधिकार को प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ये जो कर्कट राशि के जातक एवं जातिकाएं हैं, प्रेम संबंध के लिए आज हम बात करेंगे, तो उसके बाद वैवाहिक जीवन के लिए मैं बात करूंगा, जो आपका मुख्य जीवन जो प्रेम जीवन है, प्रेम ना हो उस जीवन में कहीं जीने का रास्ता नहीं है। अगर प्रेम के जीवन को देखा जाए, कर्कट राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए काफ़ी गंभीर होते हैं ये, ठीक है, प्रेम के स्तन पान में इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अगर सेक्स संबंध से जुड़े विचार इनके घर तथा बच्चों के आदि पर आधारित रहते हैं, जैसे भोजन और सेक्स इनके लिए समान वस्तुएं रहती हैं, सेक्स के क्षेत्र में रहस्य एवं आत्मकता
इन्हें विशेष प्रिय होती हैं। अगर कर्कट राशि वाले जातक एवं जातिकाओं के लिए अगर आप वास्तविक जीवन इनको जानने चाहेंगे तो ये काफ़ी आकर्षित कर देते हैं एक दूसरे व्यक्ति को। ये व्यक्ति के आदर्श तथा यथार्थ के समर्पित माने जाते हैं। कर्क राशि वाले जो लोग हैं, जो जातिकाएँ हैं, जो जातिकाएँ हैं, उनके कभी कभी प्रेम के चक्कर में इनको हानि भी उठाने पड़ती, कभी ब्रेकअप हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रेम के मामले में बहुत ही सावधानी से इनको काम लेनी होंगे। उग्र भाव अब कभी भी दिखाने नहीं होंगे। कभी कभी भावुकता की अति से बचकर चलें, क्योंकि आपके जीवन में एकदम से किसी को विश्वास करना घातक भी हो सकता है। सेक्स के प्रति अपने आकर्षण के स्वाभाविक एवं संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें और हर बात को गंभीरतापूर्वक से सोच विचार करके प्रेम रिलेशन को आगे बढ़ाएं। साथ में किसी वचनबंध होने से पूर्व हर बात को भली भांति अगर आप किसी को वाचा करते हैं, कसम खाते हैं, अगर प्रेम जीवन में किसी को मिलने की आप सम्मान को दे रहे हैं, तो उससे पहले एक बार आप अच्छे से जांच कर लें, वरना आपके जीवन में ये भी समस्या हो सकती है। तो उसके साथ साथ पूर्व हर बात को भली भांति आप विशेष रूप से जांच तुलना करें। कई तुलना होनी चाहिए। विपरीत लिंग से साक्षात संबंध कर्क राशि वाले जातक के लिए एक पक्षीय प्रेमी होता है। कर्क राशि वाले जो जातक एवं जातिकाएं हैं और सेक्स की कई पृथक विशिष्ट वस्तु ना होकर घर परिवार से संभावित होती है। इनकी वृश्चिक राशि तथा मिथुन राशि के साथ विपरीत लिंगी कर्क राशि अच्छे सहयोगी होंगे और ये हो सकते हैं कि अगर देखा जाए कर्क राशि वाले जो जातक एवं जातिकाएं हैं अपने प्रेम के मामले में किसी बंधन को स्वीकार नहीं करते, तो यहाँ पे कभी कभी इनके लिए कई असहनीय कठोर भाव भी यहाँ पे उत्पन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे दाम्पत्य जीवन और पति पत्नी बीच का जो रिश्ता है, अगर इसके बारे में अगर आप बात करें, तो कर्क राशि वाले जो जातक एवं जातिकाएं हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो भविष्यवाणी है कर्क राशि वाले जातक एवं जातिकाओं के लिए, ये जो प्रेम रिलेशन को लेकर, पति पत्नी बीच के संबंध को लेकर सम्मान स्तर का जीवन साथी इनको चाहिए। जैसे ये चाहते हैं वैसा जीवन साथी मिल जाए तो इनका जीवन काफ़ी अच्छा बन भी सकता है। तो कर्क राशि वाले जातक एवं जातिकाओं के लिए जातक स्वतंत्र रहना चाहते हैं, किसी के दबाव में नहीं आना चाहते और इनको पसंद भी नहीं है। तो पति पत्नी के अधिकार को अगर देखा जाए तो ये अधिकार में रहना या खुश रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन किसी के पत्नी के दबाव में या पति के दबाव में ये बिल्कुल रहना नहीं चाहते। एक आपस में ये बिल्कुल यदि जीवन साथी के साथ कार्य हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन पसंद भी इनको नहीं आता किसी के जीवन में हस्तक्षेप करना, तो ये जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। किसी कारण से तकलीफ भी उठाने पड़ती हैं, प्रभाव इनके जीवन में जीवन साथी के साथ साथ दूसरों पर रहते हैं। व्यर्थ की बातचीत एवं काम इनको बिल्कुल पसंद नहीं आती है, तो यहाँ पे इन्हें पत्र लिखने का समय भी नहीं रहता। अंत अपनी पत्नी के साथ समय दे नहीं पाते, ईमानदार होने के साथ साथ पैसे जमा नहीं कर पाते। कभी कभी इनके मन की जो कमजोरी के कारण से, इसकी वजह से पति या पत्नी के अधीन में रहती हैं, लेकिन अथवा इन्हें रहना पड़ता है। कर्कट राशि वाले जो जातक हैं, जो जातिकाओं के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है, लेकिन ये मन के बहुत कोमल और सरल भाव के होते हैं। तो दोस्तों अगर आप कर्कट राशि वाले जातक एवं जातिकाएं हैं, आपके जीवन में काफ़ी बदलाव एवं काफ़ी चीज़ें होती है। आपको कोई भी चीज़ प्रेम रिलेशन में रहने से पहले एक बार बाचा कसम करने से पहले एक बार आपको अच्छे से सोच विचार करना है। तो किसी के बकावे में नहीं आना है। तो ये है प्रेम जीवन की बातें जन्म से लेकर मृत्यु तक। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।